नमस्कार मित्रों, ऑप्टिक्स के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्मदर्शी को शुरू किया था। और सूक्ष्मदर्शी, चूंकि आपको पता है कि छोटे वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा और आवर्धित करके बनाता है, वो होता है सूक्ष्मदर्शी। और आपको ये भी बताया कि सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं इससे पहले, और आज हम इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने यदि कोई वस्तु रखी गई है तो वस्तु को कितने गुना आवर्धित करेगा या उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, इसके लिए दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति कि जब वो प्रतिबिंब कहां पर बने, डी पर बने। यहाँ डी का मतलब है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एक मानव के लिए, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है, कम से कम वो दूरी जहां तक उसे स्पष्ट दिखाई दे, उसे हम कहेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और जब प्रतिबिंब डी पर बनता है तो स्थिति ये होती है कि आवर्धन क्षमता बराबर 1 + d / f। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, कहां करोगे वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझिए कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसकी आवर्धन क्षमता m = d / f होगी। अब ये माजरा क्या है असल में कि जब प्रतिबिंब डी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि एक उत्तल लेंस, भाई मैंने बोला कि उत्तल लेंस ही होता है सूक्ष्मदर्शी में, और उत्तल लेंस के सामने ये इसका फोकस बिंदु है। और यदि वस्तु यहां रखी गई है फोकस से बाद में, तो बात बिल्कुल तय है कि एक किरण समांतर जाएगी, वो फोकस से गुजरेगी, और दूसरी किरण यहां से जाएगी और वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो ये किरणें मिलती नहीं है, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। और यहां मैं इसे ये कहूंगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और एक तो ये स्थिति हो सकती है। अच्छा, हमने तो पढ़ा है कि उत्तल लेंस में वस्तु को F1 पे भी रखा जा सकता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र के समीप भी रखा जा सकता है, लेकिन सिचुएशन ये रहेगी कि यदि आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को F1 और O के मध्य आपको रखना होगा। एक तो स्थिति ये लेके चलोगे तब आवर्धनता का फॉर्मूला 1 + d / f होगा। और दूसरा, यदि आपने वस्तु को फोकस बिंदु पे रखा है, एक लेंस के सामने वस्तु को आप फोकस बिंदु पे रख रहे हैं, तो किरणें बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, और जब किरणें समांतर हो जाएगी तो वो जाकर के अनंत पर प्रतिबिंब बनाएगी, और जब अनंत पर प्रतिबिंब बनाएगी तो हम कहेंगे कि आवर्धनता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपके m = d / f रहेगा। दोनों ही स्थितियां हम आगे काम में ले रहे होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरफ। और जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी इसमें लेंसों का संयोजन किया हुआ है, तो प्रतिबिंब को ज्यादा आवर्धित करने के लिए दो उत्तल लेंसों को, सूक्ष्मदर्शी में हमेशा ही उत्तल लेंस होते हैं, और यदि दो उत्तल लेंसों का संयोजन करवा दिया जाए, दोनों को समीप रख दिया जाए, तो जो सूक्ष्मदर्शी हमें मिलेगा उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, यानी दो उत्तल लेंसों का संयोजन। अब किस तरीके से उत्तल लेंसों का संयोजन होता है जरा ध्यान दीजिए। एक धातु की नली होती है इस तरीके से, और उस धातु की नली में दो लेंस को रखा जाता है, यानी एक तो छोटा लेंस जो वस्तु की तरफ रहेगा और एक बड़ा उत्तल लेंस जो जिस साइड से आदमी देख रहा है, जैसे कि यहां मान लीजिए आदमी की आंख है, तो यहां जो लेंस होगा वो लेंस बड़ी फोकस दूरी का होगा, एक बड़ा लेंस होगा। और जिस साइड वस्तु रखी है, जिस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आप बनाना चाह रहे हैं, उस वस्तु की तरफ होगा छोटी फोकस दूरी का लेंस। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाएगी। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात कि जो छोटा लेंस आप देख रहे हो, कम फोकस दूरी का लेंस जो वस्तु की ओर है, उस लेंस को हम अभिदृश्यक लेंस कहेंगे, और अगर शॉर्ट शब्दों में देखें तो ओ, इसे हम द्वारक, जैसे द्वारक को ओ से रिप्रेजेंट करते ही है, तो वो स्थिति होगी। और नेत्र की तरफ जहां से प्रेक्षक देख रहा है उस तरफ जो लेंस है, जो बड़ी फोकस दूरी का लेंस है, उस लेंस को हम नेत्रिका लेंस कहेंगे,
और ये दोनों एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रख दिए जाते हैं धातु की बेलनाकार नली में। अब इनकी जो व्यवस्था होती है उसे जरा देखिए। मेरे पास कोई वस्तु है, मैं मानता हूं कि ए और बी, ए बी एक वस्तु है, तो किस तरीके से इसका प्रतिबिंब बड़ा होगा जब तक किरणें आंख तक पहुंचेगी, तो किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब आवर्धित होगा, कितने गुना आवर्धित होगा, क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता होगी, उन सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो मैं मानता हूं यहाँ पे कि कोई वस्तु है मेरे पास ए बी, ए बी कोई वस्तु है और एक किरण यहाँ पे समांतर गई है, और समांतर जाने वाली किरण हमेशा ही एफ से निकलती है। समझिए इस बात को, मैं अभी केवल अभिदृश्यक लेंस की बात कर रहा हूं, नेत्रिका लेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो अभिदृश्यक लेंस में से जब किरण गुजरी है, एपोड से गुजर गई, सीधी चली गई, कोई बात नहीं, और दूसरी किरण जो फोकस से आ रही है वो किरण क्या हो जाएगी भैया, समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें जहां टकराती है वहां इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब। फिलहाल एक लेंस के लिए बात कर रहे हैं, उसको आप भूल जाइए। तो यहां इसका प्रतिबिंब मिला है, ए बी के प्रतिबिंब को हम कहते हैं ए डैश और बी डैश, ये इस प्रतिबिंब। अब इस प्रतिबिंब को और बड़ा हमें करना है, तो बड़ा करने के लिए ये आपके सामने नेत्रिका लेंस रखा गया है, और जब इस वस्तु से निकलने वाली किरण, परावर्तित होकर निकलने वाली किरण जब यहां से यानी कि केंद्र से गुजरेगी, हम इसको पी कह ले, प्रकाशित केंद्र, तो जब भी यहां से गुजरेगी तो वो सीधी चली जाएगी बिना विचलित हुए, ये नियम आपने पढ़ा है, और जो किरण समांतर इसके पृष्ठ पर आपतित हुई है वो फोकस से होती हुई चली जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों किरणें आपस में काटी नहीं है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब नहीं बना, और जब इसका प्रतिबिंब नहीं बना तो किरणों को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरीके से इसको भी बढ़ा रहे हैं। तो जहां ये दोनों काटेंगे वहां इसका प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा, और उल्टा प्रतिबिंब और एक बड़ा प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी के सामने मैंने यहां वस्तु को रखा है, पहले लेंस से इसका अपवर्तन हुआ है और ये प्रतिबिंब मेरे को मिला है। अब दूसरे लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की तरफ, जिसे मैं कहूंगा ए डबल डैश और बी डबल डैश, यहाँ ये स्थिति होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेत्रिका लेंस के लिए बिंब कौन सा है, वस्तु कौन सी है, तो ये वाला, और अभिदृश्यक लेंस के लिए ये रहेगा आपके बिंब यानी कि वस्तु, और ये रहेगा प्रतिबिंब। और अगर मैं बात करूं नेत्रिका लेंस के लिए, तो नेत्रिका लेंस के लिए ये क्या है, बिंब है, और ये वाला प्रतिबिंब है। स्थिति को समझिए। अब जो ये आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसमें दोनों लेंस के मध्य दूरी बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कैसे, ये जो दोनों लेंस आपस में रखे गए हैं एक दूसरे से निश्चित दूरी पर, इनको सरकाया जा सकता है, इनकी व्यवस्था भी कुछ ऐसी होती है कि इनको यहां से वहां सरकाया जा सकता है। अब यदि मेरे को अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो इन दोनों किरणों को समांतर करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों किरणें समांतर कब होती है, जब वस्तु कहां होती है, फोकस दूरी से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस लेंस को सरका करके ये एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा फोकस दूरी पे। भैया लेंस की फोकस दूरी तो हमेशा ही फिक्स होती है, जब मैं इसे आगे सरकाऊंगा तो यहाँ इसका फोकस एडजस्ट हो जाएगा, मैं इसे फोकस पे एडजस्ट करूंगा तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, क्योंकि वस्तु फोकस दूरी पे जब रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ही अनंत पे बनता है। और यदि मेरे को प्रतिबिंब डी पर चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो इसको थोड़ा सा इधर सरकाने से फोकस इधर हो जाएगा, और जब वस्तु फोकस और बिंदु पी के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ही कहां बनता है, दूरी डी पर बनता है। तो दो स्थितियां मेरे सामने है, मैं चाहूंगा तो प्रतिबिंब को अनंत पर बना लूंगा वस्तु को, और यहाँ फोकस बिंदु पर रख के, और मैं चाहूंगा तो प्रतिबिंब को डी पर बना लूंगा। तो पहले स्थिति देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आवर्तन क्षमता की बात करूं कि इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता, आवर्तन क्षमता, तो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ रखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई,
प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश और इसे हम लिखते हैं h से और आवर्तनता को रिप्रेजेंट करते हैं m से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। यदि यहाँ पे मैं पहले लेंस के लिए बात करूं, कौन सा लेंस? अभिदर्शक लेंस। तो मैं लिख देता हूं कि अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए इसकी जो आवर्तन क्षमता होगी वो कितनी होगी? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अभिदर्शक लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है a डैश b डैश, और बिंब की ऊंचाई यहाँ पे a और b है। कौन से लेंस के लिए? अभिदर्शक के लिए। तो यहाँ आवर्तनता m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है a डैश b डैश और बिंब की ऊंचाई है a और b, ये आवर्तन क्षमता रहेगी इसकी अभिदर्शक लेंस की, और इसे मैं कह दूंगा समीकरण एक। अब आगे सुनिए, अभिदर्शक लेंस की आवर्तन क्षमता देखें तो a' b' बटे ab हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेत्रिका लेंस की आवर्तन क्षमता, तो नेत्रिका लेंस की आवर्तन क्षमता लिखता हूं मैं यहाँ पे, नेत्रिका लेंस की आवर्तन क्षमता m इक्वल टू क्या होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम कौन, सॉरी बिंब का काम कौन करता है? a' b' और प्रतिबिंब कौन सा है? a डबल डैश और b डबल डैश। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये लीजिए यहां मैंने कर दिया, ये प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश बटे a डैश और b डैश, समीकरण नंबर हो जाएगा दो। अब यदि मैं कुल आवर्तन क्षमता निकालूं, ध्यान दीजिए कुल आवर्तन क्षमता, कुल आवर्तन क्षमता ये अभिदर्शक लेंस की आवर्तन क्षमता ये मिली है आपको, नेत्रिका लेंस की आवर्तन क्षमता ये मिली है। मैं इन दोनों को अलग करने के लिए क्या करता हूँ, ये लेंस O, अभिदर्शक लेंस O है और ये आपके नेत्रिका आईज वाला लेंस है, तो मैं इसको A लिख देता हूँ और इसे भी कर देता हूँ एम ओ और एम टी। तो कुल आवर्तन क्षमता निकालने के लिए इसकी आवर्तन क्षमता और इसकी आवर्तन क्षमता दोनों को समायोजित करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ दोनों आवर्तन क्षमता का योग हम नहीं करेंगे, दोनों आवर्तन क्षमताओं को जोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक बात को समझिए, मान लीजिए सपोज ये तीन गुना किसी प्रतिबिंब को आवर्तित करता है और ये किसी प्रतिबिंब को चार गुना आवर्तित करता है, तो अब आप ये तो नहीं कहोगे कि तीन और चार सात गुना आवर्तन हो गया, ये तो नहीं कहोगे क्योंकि इसका योग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई ये यदि तीन गुना प्रतिबिंब को आवर्तित करता है और ये यदि चार गुना किसी प्रतिबिंब को आवर्तित करता है, तो मतलब क्या हुआ कि तीन इंटू चार यानी कुल मिला के प्रतिबिंब कितने गुना हुआ? बारह गुना। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि कुल आवर्तन क्षमता के लिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे नहीं बल्कि इन दोनों का गुणा करेंगे। तो ये लीजिए मैं यहाँ पे एम टोटल निकालने के लिए क्या करूंगा, एम जीरो इंटू एम ई, छोटा कह लीजिए या बड़ा कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, ये लीजिए ये दोनों का मैं क्या करूंगा गुणा, और गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए डैश और बी डैश बटे ए बी आपके पास है और दूसरा है ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और कुल मिला के एम टोटल का मान यानी जो आवर्तन क्षमता होगी वो आपको मिलेगी ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए और बी। तो ये आवर्तन क्षमता आपके सामने होगी किसकी, कुल जो आपका कुल आवर्तन क्षमता है दोनों लेंस को जोड़ने के बाद यानी कि संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्तन क्षमता है वो इतनी होगी। अब स्थितियां मैंने आपसे बोला कि दो है, दो कौन सी है, मैं इस लेंस को नेत्रिका लेंस को ऐसे सरका सकता हूं, तो एक तो मैं इसे फोकस पे जब एडजस्ट करूंगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, और जब इसे मैं फोकस और पी के बीच एडजस्ट करूंगा तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, डी पर, प्रतिबिंब डी पर बनेगा और प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब सुनिए कि यदि प्रतिबिंब डी पर बनता है, फिर से यदि प्रतिबिंब कहां बनता है, डी पर बने, यदि प्रतिबिंब डी पर बने तो आवर्तन क्षमता क्या होगी, और यदि प्रतिबिंब
आपका बने अनंत पर तो आवर्तन क्षमता क्या होगी, दोनों स्थिति के लिए जानिए। यहाँ आवर्तन क्षमता का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, वी अपॉन यू, ये नाम तो आपने सुना होगा। आवर्तन क्षमता ऊंचाइयों का अनुपात भी है और आवर्तन क्षमता प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का अनुपात भी है, और शायद आपको याद हो तो ये स्थिति माइनस में थी, यानी कि आवर्तन क्षमता m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू की स्थिति आपने सुन रखी है, ये आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला है। अब सुनिए कि आपका जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस में अगर हम देखें यानी कि प्रतिबिंब दूरी बी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए प्रतिबिंब ये है भाई, पहले वाले लेंस के लिए ये वाला प्रतिबिंब है, तो यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी होगी, जिसे मैं जो है बी कहूंगा, और प्रतिबिंब दूरी को बी कहेंगे, लेंस कौन सा है द्वारा ओ तो बी ओ कह ले, और दूसरा यू जो कि बिंब दूरी है, तो पहले लेंस के लिए बिंब कौन सा है, बिंब है ये वाला, तो यहां से यहां तक वाली दूरी बिंब दूरी यानी यू कहलाएगी, और चूंकि लेंस द्वारक है ओ है तो हम कहेंगे यू ओ, यानी कुल मिला के यहाँ पे आवर्तन क्षमता का जो फॉर्मूला होगा वो बी ओ अपॉन क्या होगा यू ओ, कौन सा द्वारक ओ के लिए। और दूसरा यदि प्रतिबिंब डी पर बनता है किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने, किसी एक लेंस के सामने यदि डी पर प्रतिबिंब है, तो उस स्थिति के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आवर्तन क्षमता एम ई इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ होगा, यानी एम ओ का मान किसी द्वारक के लिए दोनों दूरियों का प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का अनुपात है, और प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी मैं यहाँ पे बी ओ और यू ओ ले रहा हूँ। फिर से सुनिए ये कंडीशन कैसे बनी, भाई बी यहाँ पे क्या है प्रतिबिंब दूरी, और पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन सा है ये वाला प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी बी, लेंस कौन सा है द्वारक ओ, तो यहाँ पे बी ओ कह लूंगा, और बिंब दूरी जिसे मैं क्या कह लूंगा यू कह लूंगा, बिंब दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते ही है, तो ये स्थिति दोनों के लिए और दोनों दूरियों का अनुपात मैंने लिखा। अब यदि यहाँ पे प्रतिबिंब डी पर बनने वाला है और इन दोनों का गुणा आप करोगे तो फिर से स्थिति क्या होगी वो जरा सुनिए, मैं यहाँ पे कुल आवर्तन क्षमता इज इक्वल टू एम ओ और एम ई करूंगा, तो यहाँ आपको ये मिलेगा, आवर्तन क्षमता तो हमेशा ही माइनस में होती है, आप बाद में माइनस लगा लेना कोई बात नहीं, और डी बाई एफ, तो ये फॉर्मूला होगा एम के बराबर में किसका, यदि आपके पास संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी है और उसके सामने प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है डी पर बना हुआ है, यहां से यहां तक ये जो दूरी है इसे आप बी कह लो या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कह लो, तो इसके लिए आवर्तन क्षमता जो होगी वो m इज इक्वल टू v0 अपॉन u0 इनटू 1 प्लस d बाय f के रूप में होगी। तो ये था आपके इसके लिए जो प्रतिबिंब डी पर बने, और दूसरा यदि हम बात करें कि प्रतिबिंब कहां पर बने अनंत पर बने, तो ये दूसरी स्थिति आपकी ये लीजिए, मैं यहां से सीधा लिखता हूं, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, और यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो 1 प्लस डी बाई एफ नहीं बल्कि हमने पहले क्या पढ़ाया कि वहां पे माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो इंटू डी बाई एफ होगा, वहां 1 प्लस जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अगर डी पर बने तो 1 प्लस डी बाई एफ होगा, और ये फॉर्मूले हमने पिछले वीडियो में देखे भी है, तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ पे चल रही होगी। तो आपको इसकी आवर्तन क्षमता निकालने के लिए एक बार मैं इसको फास्टली रिकैप करता हूँ, जरा फिर से सुनिए, ये आपके सामने दो लेंसों वाला एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, और यदि इसकी आवर्तन क्षमता आपको निकालनी है, क्योंकि आवर्तन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को कहते हैं, तो एक तो ये फॉर्मूला बनता है कि एच डैश बाई एच, ये आवर्तन क्षमता का, और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है लेंस में कि यहाँ पे दोनों दूरियों का प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात, वो भी हम आवर्तन क्षमता ही कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि मैं अभिदर्शक लेंस की बात करूं, केवल अभिदर्शक लेंस पहले वाला, इसकी आवर्तन क्षमता निकाले, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, जो कि मैं लिख के यहाँ पे समीकरण एक बना रहा हूँ। दूसरा यदि हम नेत्रिका लेंस के लिए बात करें तो प्रतिबिंब कौन सा है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, और समीकरण नंबर मैंने बना दिया दो। कुल आवर्तन क्षमता के लिए याद रहे कि हम योग नहीं बल्कि उनका मल्टीपल करते हैं, उनका गुणा करते हैं, तो मैंने दोनों का गुणा किया, कैंसिल हो गया ए डैश बी डैश आपस में, और फिर जो बना वो आपके कुल इसकी आवर्तन क्षमता होगी, पहला फॉर्मूला। और यदि प्रतिबिंब डी पर बन रहा है, भाई यदि प्रतिबिंब डी पर यहाँ पर बन रहा है कब बनेगा, जब मैं इसे सरका करके एडजस्ट कहां करूंगा, इस तरीके से एडजस्ट करूंगा
कि ये जो लेंस प्रतिबिंब बना रहा है, ये प्रतिबिंब इसकी फोकस दूरी और प्रकाशित केंद्र के मध्य हो, यहां इसको एडजस्ट अगर करूंगा तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये होगा। और यदि मैं इसे इस प्रतिबिंब को सरका करके इसके फोकस पे एडजस्ट करूंगा तो फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का कुल ये होगा। तो इस तरीके से दोनों स्थिति आपको अलग अलग से याद रखनी है। आवर्धन क्षमता के बाद यदि हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालनी है, तो जरा सुनिए कि संयुक्त की बात कर रहा हूं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, लंबाई क्या होती है पहले तो इस बात को सुनिए। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ये नहीं कि ये जो पूरी नली है यहां से यहां तक इसकी लंबाई को सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का मतलब है कि दोनों लेंसों के मध्य दूरी, दोनों लेंसों के जो मध्य दूरी है उसे हम कहेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, दोनों लेंसों के मध्य दूरी इसे हम कहेंगे। तो यहां दोनों लेंसों के मध्य दूरी कितनी है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहां से यहां तक दूरी हमें देखनी है एक बार। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक अगर मैं कहूं तो यह है प्रतिबिंब की दूरी, और जिसे मैं कहूंगा बी जीरो से। अच्छा, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है पहले वाले लेंस के लिए, तो पहले वाले लेंस की जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे मैं बी जीरो से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां से यहां तक तो है बी जीरो, ये लीजिए लंबाई एल बराबर बी जीरो प्लस यहां से यहां तक अगर आप देखो भाई, ये इसके लिए प्रतिबिंब है, लेकिन इसके लिए इस वाले नेत्रिका लेंस के लिए क्या है, ये बिंब है, बिंब दूरी हम कहेंगे। तो बिंब दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, यहां से यहां तक बिंब दूरी है और बिंब दूरी को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये लेंस कौन सा है, नेत्रिका लेंस है, तो यू ई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई यू ई। तो जब यू वी और वी जीरो को मैं प्लस करूंगा तो इसकी लंबाई टोटल हो जाएगी, तो ये हुआ है यू ई। तो ये होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लंबाई देखनी है। और यदि ऐसा कह दिया गया कि प्रतिबिंब यहां बन रहा है डे पर, या प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तब क्या होगा। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु कहां होनी चाहिए, फोकस दूरी पे। और वस्तु, ये वाली वस्तु यदि फोकस दूरी पे है तो इस दूरी को हम क्या कह देंगे, एफ ई कह देंगे। तो यदि मेरे को प्रतिबिंब अनंत पर चाहिए तो अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए इस वस्तु को यहां नहीं बल्कि कहां रखना पड़ेगा, फोकस पे। और फोकस से यहां तक की दूरी तब हमें मापनी होगी, और फोकस से यहां तक की दूरी को एफ ई कहूंगा इस वाले लेंस के लिए, और इस वाले लेंस के लिए जो है आपका एफ ओ कहूंगा। तो मेरे को पता चल गया कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो वी जीरो है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एफ ई है। तो लंबाई को आप ये भी लिख सकते हो कि वी जीरो प्लस एफ ई, कब, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। और ये स्थिति है जब प्रतिबिंब कहां हो, डी पर हो। दोनों ही स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाइयां होगी वो ये होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों दूरियों की कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये था आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और इसके बाद हम खगोलीय दूरदर्शी की बात करेंगे। ये तो सूक्ष्मदर्शी थे, आगे खगोलीय दूरदर्शी हम लेके चलेंगे, जो अनंत पर वस्तुएं है, कोई ग्रह है, उपग्रह है, कोई पिंड है, आकाशीय पिंड, तो उनका प्रतिबिंब, क्योंकि वो दूर है और उनका प्रतिबिंब हमें बड़ा बनाना, आवर्धित बनाना है, तो हम उसे कहेंगे दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, क्योंकि खगोलीय पिंड के लिए यूज में आता है तो खगोलीय दूरदर्शी कहेंगे, उसकी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और ये आग्रह भी करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें, पीडीएफ डाउनलोड करें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।